नमस्कार दोस्तों, मैं देव दरबार आपका स्वागत करता हूं टेक देव में। दोस्तों न्यूज बहुत सारी है, लेकिन आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, घंटी का बटन दबाना तो नोटिफिकेशन आएंगे दोस्तों। तो पहली न्यूज ये है दोस्तों कि नासा ने फुटबॉल स्टेडियम के साइज का एक प्रेशर बलून बना लिया है। सफल परीक्षण हो चुका है उसका। 33 किलोमीटर ये हवा में रहेगा और 100 दिन तक रहेगा। कॉस्मिक रेस के ऊपर ये परीक्षण करने वाला है। पूरा टेस्ट करेगा कि कॉस्मिक रेज जो अर्थ पे आती है उससे क्या इफेक्ट होता है, कब आती है यह कॉस्मिक रेज। गूगल की ओर से एक अपडेट आ रही है दोस्तों कि गूगल ट्रांसलेशन अब बेहतर तरीके से काम करेगा। जो इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज, जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें वो बेहतर काम करेगा। हम बहुत गूगल मैप और ये सब यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन गूगल मैप यूज करने हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश टू हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी में ये अब बेहतर तरीके से ट्रांसलेट करके आपको देगा। तो पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे बढ़ने से और एक खबर सामने आ रही है कि रिसर्च के मुताबिक 2018 में माना जाता है कि जितने भी कुल टोटल स्मार्टफोन बिकेंगे उसका एक 62% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा होगा वो सिर्फ स्मार्टफोन्स का होगा। रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि इंडिया की जो जनता है उनको कम पैसों में फीचर फोन लेने के बजाय ज्यादा पैसे देके स्मार्टफोन लेना अच्छा लगता है। उनको भी नया नया सीखना है, नया नया एक्सपेरिमेंट करना है, जो कि अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अपनी गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी लगातार प्रेशर कर रही है डिजिटल इंडिया के ऊपर। फोकस है, प्रेशर नहीं, फोकस कर रही है डिजिटल इंडिया के ऊपर और कैशलेस ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सब लोग लेंगे, स्मार्टफोन हो जाएंगे, स्मार्ट इंडिया बन जाएगा, डिजिटल इंडिया बन जाएगा। चौथी न्यूज ये आ रही है दोस्तों कि फेक न्यूज के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट पे फेक न्यूज आती है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज आती है। तो यहां पर विकिपीडिया के को फाउंडर ने ये कहा है कि वो एक नई साइट लेकर आपके सामने आएंगे बहुत जल्द, जिसका नाम होगा विकी ट्रिब्यून, जो आपको बताएगा कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी सही न्यूज है। दोस्तों यहाँ पर आईफोन के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, व्हाट्सएप लेके आ रहा है आईफोन के लिए एक अपडेट जो iOS 10.3.1 पर चलेगा, जहां पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस डायरेक्ट सीरी से पूछ सकते हैं। सीरी आपको बता देगी कि आपको कौन सा व्हाट्सएप मैसेज आया है और लास्ट वो किसने किया था व्हाट्सएप मैसेज, और आप रिप्लाई करना चाहें तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेक न्यूज में बस इतना ही। कल आप फिर से आइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और घंटे का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।